देखिए हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन जो होते हैं वो स्कूल लेवल, जोन लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर लास्ट पे यहाँ पे यूटी लेवल होते हैं। हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन अवेलेबल थी, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक एक्टिविटी का प्रोग्राम निकाला है। उसके तहत आज जो है यहाँ पे कबड्डी का ये जो हो रहा वॉलीबॉल का अंडर 19 गर्ल्स का कॉम्पिटिशन हो रहे हैं यूटी लेवल्स से। तो इसमें 17 डिस्ट्रिक्ट भाग ले रहे हैं, लड़कियाँ जो आपने देखा होगा बच्चियाँ हैं सारी। तो इसमें उम्मीद है कि ये अच्छा खेलेंगी। और ऐसे ही उधमपुर में आज स्टार्ट हो रहा है और रियासी में परसों 15 को स्टार्ट हो रहा है, परसों बड़गाम में चेस का कंपटीशन शुरू हुआ। हर गेम में हम यूटी लेवल पर इसको ले आते हैं। इसमें थोड़ा सा देरी हो गई क्योंकि कोविड की वजह से एक महीना वो भी हो गया, डेढ़ महीना उसमें, और उससे पहले जो अप्रैल में मई में कोविड हुआ था उसकी वजह से थोड़ा सा, लेकिन हमारा स्टाफ जो है, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और जो बाकी स्टाफ है उनने अथक मेहनत की इसको यूटी तक लाने के लिए, यूटी लेवल कॉम्पिटिशन्स के लिए। और इन बच्चों को हम चाहेंगे कि ये नेशनल्स पर बाद में खेलें। मकसद क्या है ये करवाने जी? मकसद क्या है ये करवाने? मकसद ये है कि बच्चे पहले तो बाकी जो मिनिस है, ड्रग मिनिस है या कोई और चीज़ है उससे बाहर रहें और इनकी नशोनुमा अच्छी रहे, ये खेलें कूदें। और दूसरा ये कि अपना जो इनका करियर है, ये करियर भी इसमें चूज कर सकते हैं कल को। जैसे आपने देखा होगा एसओ जो निकाला है ऑनरेबल एलजी साहब ने जो इफ्तिता किया या स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत, उसमें भी इनको गवर्नमेंट जॉब्स बाकी चीज़ें वो भी उसमें हैं। लेकिन पहले तो अपनी सेहत इनके लिए बड़ी है जो इस खेल कूद से अच्छी रहती है। एक सवाल है सर, कश्मीरी पंडित समाज आज तक नहीं दिखाई दिया आपके स्पोर्ट इवेंट में? नहीं, क्यों नहीं दिखाई दिया? हम खेल की बात करेंगे सर, मैं कंटिन्यूस यहाँ कवर कर रहा हूँ जब से ये ग्राउंड बना है, आज तक कश्मीर पंडित का कोई भी स्कूल यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते। देखिए स्कूल्स में ये है कि हमारे मास्टर्स टीचर्स जो हैं वो इनको खेल की तरफ रागिब करते हैं। अगर आप किसी खास स्कूल का नाम ले लें, मैं वहाँ खुद जाकर देखूँगा और उनको खुद इनक्रेज करूँगा ताकि वो बच्चे आएँ, क्योंकि हर स्कूल से आते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है। अब आपने ये क्वेश्चन उठाया, आई विल सी पर्सनली, अगर आप वो स्कूल में इसके बाद भी आप मुझे नाम दे दें, मैं पर्सनली वहाँ जाकर देखूंगा। जो टीचर वहाँ हो उसको भी थोड़ा सा हम बता देंगे कि इन बच्चों को सामने लाए।